खबर जयपुर से, जहां निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। जी हां, भाजपा प्रदेश कार्यालय में बुलाई मैराथन बैठक। बैठक में संगठनात्मक कार्यक्रमों की योजना बन रही है। राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी सहित तमाम पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। आपको बता रहे, निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुट चुकी है और इस बैठक में तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी समेत तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। जयपुर से खबर, जहां निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए एवन संवाददाता पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी पिंटू, बताएं क्या जानकारी मिल रही है, क्या ये बैठक शुरू हो चुकी है? जी लवीना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैठक जो 11:30 बजे प्रस्तावित थी वो अब शुरू हो चुकी है और जो प्रदेश भाजपा की जो कोर कमेटी की जो बड़े नेता हैं वो आज इस बैठक को करने जा रहे हैं और चर्चा करने जा रहे हैं। खास बात ये है कि जो लोकसभा चुनाव में जो सफलता भाजपा को यहाँ पर मिली है, ऐतिहासिक सफलता मिली है। हालांकि 25 सीटें पहले भी 2014 में जीत कर आए थे, लेकिन जो सरकार यहाँ पर कांग्रेस की थी उसके बावजूद अपना जो रिकॉर्ड था उसको कायम रखा। उसके बाद भाजपा काफी गदगद नजर आ रही है और जो अगला मिशन है निकाय और पंचायती चुनाव उसमें जुट गई है। अभी तक निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव की कोई तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभी 6 महीने का समय है, लेकिन उससे पहले ही भाजपा उन तैयारियों में जुट गई हो, रणनीति में जुट गई है कि किस प्रकार से ये जो भाजपा का माहौल एक बार फिर से प्रदेश में बना है इसको बरकरार रखा जाए। इसी को देखते हुए आज यहाँ पर बैठक हुई है और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जो वी सतीश है, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी और राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शोक परनामी सहित जो तमाम कोर कमेटी के जो बड़े नेता है वो इस बैठक में मौजूद है और चर्चा ये हो रही है कि ये जो लोकसभा चुनाव के समय जो माहौल बीजेपी का बना उसे किस प्रकार से बरकरार रखा जाए जिसका फायदा निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिले हैं, और साथ ही जो राज्य सरकार को किन मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया जाए, किन मुद्दों पर बैकफुट पर कांग्रेस सरकार आए उस पर भी यहाँ पर रणनीति हो रही है। जी लवीना। जी पिंटू, निकाय और पंचायत चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम बैठक इसको कह सकते हैं, तो कब तक चलने वाली है बैठक, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए मैडम, बैठक जो करीब 2 घंटे इस बैठक में यहाँ पर मंथन होना है, लेकिन फिलहाल ये बैठक लंबी भी हो सकती है क्योंकि प्रस्तावित समय से थोड़ी देर से शुरू हुई और लंबी मंथन ना होगी, तमाम संगठन के विषयों पर भी इसमें चर्चा होनी हो सकती है क्योंकि राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश जी है, चंद्रशेखर है संगठन महामंत्री, तो संगठनात्मक मुद्दों पर भी यहाँ पर चर्चा होगी और जो वर्तमान जो हालात जो चल रहे हैं, कई इश्यूज जो कांग्रेस सरकार जहाँ पर बैकफुट पर है, उन तमाम विषयों को लेकर रणनीति होगी और लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस उन पर भी रहेगी कि जो जिन कार्यकर्ताओं का क्या रोल रहा है, किस प्रकार से जिनकी निष्क्रियता रही या कोई कार्यकर्ताओं ने जो कहीं ना कहीं गुटबाजी की, अपने ही प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, उन पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही मदनलाल सैनी ने पहले ही संकेत दिए थे कि जो लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार के परिणाम आए उससे कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा ताकि वो उत्साहित रहे और आगे लगातार उनकी एनर्जी बरकरार रहे जिसका फायदा पार्टी को मिले निकाय और पंचायती चुनाव में। तो हो सकता है कि एक ऐसी भी कोई रणनीति बने कि जिससे कार्यकर्ताओं का जो सहयोग रहा है, जिस प्रकार से लगातार उन्होंने काम किया है, तो उनको सम्मानित करने की ऐसी कुछ योजना बनाई जा सकती है, कार्यकर्ताओं को पार्टी में कोई पद दिया जाए जिससे वो खुश रहे और पार्टी में लगातार काम करते रहे, तो इस पर भी कहीं ना कहीं एक चर्चा हो सकती है। जी पिंटू, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है और इसी को लेकर ये बैठक चल रही है जिसमें कई दिग्गज भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये बैठक 11:30 से शुरू होने वाली थी लेकिन कुछ देरी से शुरू हुई है, तो ये बैठक अब 2 घंटे से ज्यादा भी चल सकती है।